सिंगरौली में तिल कोरोना अभियान का आरंभ कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने किया। अब 15 जुलाई तक कोरोना की जांच और उसके खात्मे के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। जिला कोरोना अभियान से संदिग्ध मरीजों की जल्द पहचान हो सकेगी। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए और कोरोना के संक्रमित मरीजों की जल्द पहचान के लिए तिल कोरोना अभियान शुरू किया गया है। सिंगरौली में इस अभियान की शुरुआत कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने की। वहीं देवसर विधायक सुभाष वर्मा ने खुटार में, जिला पंचायत अध्यक्ष अजय पाठक ने जियावन देवसर में इसे शुरू किया। कलेक्ट्रेट में हुए समारोह में पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह, जिला पंचायत अधिकारी ऋतुराज, CMHO RP पाटिल मौजूद रहे। इस अभियान के तहत सर्वे टीम घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य संबंधी शिकायतों की जांच करेगी और संदिग्ध पाए जाने वाले मरीजों का तुरंत कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लिया जाएगा। सिंगरौली जिले में COVID-19 बीमारी की ट्रांसमिशन चेन को तोड़ने, आमजन को COVID-19 बीमारी से बचाव हेतु और अधिक जागरूक करने के लिए किल कोरोना कैंपेन 1 जुलाई से 15 जुलाई के मध्य चलाया जाएगा। उसके अंतर्गत लगभग 240 सर्वे टीम बनी हुई है जो कि घर घर जाकर जो अपने सभी हाउस होल्ड का सर्वे करेंगी और जानकारी एकत्रित करेंगी। अगर किसी प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं तो उस लक्षण को रिपोर्ट करेगी, जिसके साथ आधार पर हम उसकी टेस्टिंग कराएंगे। इन सर्वे टीम्स को ट्रेनिंग करने के लिए आज जो मास्टर ट्रेनर्स बनाए गए हैं उनकी जिला स्तर पर ट्रेनिंग की गई है। सभी को समस्त प्रकार की जानकारियां जो इस सर्वे को और प्रभावी बनाने के लिए कारगर होंगी वो सभी जानकारियां प्रदाय की गई हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।